सो आज हम बात करेंगे इक्वल वेक्टर्स की। आप इक्वल वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट अगर आप देखें तो हम इस तरह से बात कर सकते हैं। लेट से हमारे पास एक 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 यहाँ पे एक डेस्क पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। चलें जी, ये मैंने एक डेस्क बना दिया, डेस्क की मैं जस्ट आपको टॉप शो कर रहा हूँ। चलें जी, हमने डेस्क की टॉप बना दी, डेस्क मैंने यहाँ पे बना दिया। अब मैं क्या करता हूँ जी, इसको कॉपी करता हूँ, इसको मैं डिस्प्लेस करूंगा टूवर्ड्स राइट साइड, ठीक है, टूवर्ड्स राइट साइड। चले कंट्रोल सी किया मैंने, यहाँ से कॉपी किया, अब मैं इसको डिस्प्लेस कर रहा हूँ यहाँ पे, देखें टूवर्ड्स राइट साइड, ठीक है, लाइक दिस, ये एग्जैक्टली यहां पे। अब अगर आप देखें तो अगर मैं इसके हर पॉइंट्स पे, फॉर एग्जांपल इसके बहुत ज्यादा डॉट्स मौजूद थे, ठीक है, बहुत ज्यादा डॉट्स हैं डेफिनेटली। अब हम मैं देखूंगा कि तमाम डॉट्स ने एक जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है, एक खास डायरेक्शन में, और एक ही जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब मैं उन डॉट्स में से लेट सपोज एक ही एंड वाला ले लेता हूँ डॉट, ठीक है, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं, और इसी तरह से मैं इसको ले लेता हूँ। अब अगर आप इसको देखें तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है टुवर्ड्स राइट साइड, ये डिस्टेंस ट्रेवल किया। इसी तरह से इसको देखें, चलो थोड़ा सा इसको यहां पे, ये डिस्टेंस ने ट्रेवल किया, और इसी तरह से अगर आप इसको देखते हैं तो इसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है, और इसको देखें तो इसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया। थोड़ा सा मैं इसको बेहतर करके बना देता हूँ, इसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। अब अगर आप मैग्नीट्यूड के लिहाज से देखते हैं तो मैग्नीट्यूड के लिहाज से फॉर एग्जाम्पल जो है ये पॉइंट ए है, दिस पॉइंट इज ए, दिस इज बी, ठीक है, ये सी है और ये डी है, और इसी तरह से ये जो है वो ए प्राइम है, ठीक है, ये आपका बी प्राइम है, ये आपका सी प्राइम है, और ये आपका डी प्राइम है। तो अगर आप देखें तो लेट सपोज ए से ए प्राइम का जो डिस्टेंस है दिस इज ए, ठीक है, डी से डी प्राइम का डी, बी से बी प्राइम का बी, और सी से सी प्राइम का सी। तो अगर आप इन तीनों, इन चारों वेक्टर्स के, ठीक है, अगर आप, मैं ए ए प्राइम की बात करता हूँ, ए ए प्राइम की, तो वो किसके बराबर है, चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे हम, ठीक है, ए ए प्राइम, ए ए प्राइम ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये वेक्टर ए ए प्राइम है, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखें तो मेरी डायरेक्शन किस तरफ थी, इस तरफ थी, यानी मैंने इस तरफ मूव किया, इसी तरह ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, और ये भी एक वेक्टर। आप पूरी फिगर को ना ले बल्कि आप सिर्फ वेक्टर को कंसिडर करें। वेक्टर बेसिकली क्या है कि ऐसी क्वांटिटी जो कि एक डायरेक्शन, मतलब मैग्नीट्यूड, ठीक है, और डायरेक्शन से डिफाइन हो सकती है अलॉन्ग विद यूनिट्स। तो फर्ज करें यूनिट्स तमाम के हम सेंटीमीटर ले लेते हैं, तो आप देखें ए से ए प्राइम का जो डिस्टेंस है वो ए स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करो, जनरल जो है वो रिप्रेजेंटेशन है। डी से डी प्राइम की डी है, बी से बी प्राइम की बी है, और सी से सी प्राइम की सी है। ये चार आपके पास वेक्टर हैं, 1 2 3 4, और ए की डायरेक्शन में। तो हम देखते हैं क्या ये आपस में इक्वल वेक्टर है या नहीं है। ए ए प्राइम इज इक्वल टू ए है, ठीक है, बी बी प्राइम इज इक्वल टू स्मॉल बी है, सी सी प्राइम इज इक्वल टू स्मॉल सी है, डी डी प्राइम इज इक्वल टू डी डी प्राइम इज इक्वल टू स्मॉल डी है। लेकिन याद रहे यहां पे मैं एक शायद चीज मिस कर रहा हूं, क्योंकि हमने पहले बात की थी कि ये जो स्मॉल ए स्मॉल बी लिख रहा हूं ये बेसिकली क्या, ये बोल्ड फॉर्म में है, ठीक है, हम बोल्ड फॉर्म में लिखते हैं। चलिए ये देखें, ये बोल्ड फॉर्म में, ठीक है, दिस इज ऑल्सो इन बोल्ड फॉर्म, ये भी बोल्ड फॉर्म में है, ठीक है, ये भी बोल्ड फॉर्म में है, क्योंकि स्मॉल में जब अगर लिखा जाता है तो बोल्ड फॉर्म में लिखा जाता है। इसी तरह से ये भी जो है वो बोल्ड फॉर्म में है, ठीक है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर मैं इनके मैग्नीट्यूड्स की बात करता हूँ, मैग्नीट्यूड से क्या मुराद, अगर आप ये वाली लेंथ स्केल से मालूम करें, ये स्केल से मालूम करें, ये भी स्केल से मालूम करें, ये भी स्केल से मालूम करें, तो आप देखेंगे कि तमाम लेंथ्स आपस में बराबर हैं। मतलब क्या हुआ कि इन तमाम के मैग्नीट्यूड्स, ठीक है, अगर इन तमाम के मैग्नीट्यूड्स की बात की जाए तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि सिंस मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर ए कैपिटल में है, ठीक है, इसी तरह बी, इसको भी मैं आई मीन बोल्ड में लिख, नॉट कैपिटल नहीं बल्कि बोल्ड, मैंने कहना था बोल्ड में है, इसी तरह ये सी जो है ये भी बोल्ड में है, और इसी तरह से डी जो है ये भी बोल्ड में है, ठीक है। इन तमाम वेक्टर्स, सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल दिस वेक्टर्स आर सेम, ठीक है, और मजे की बात क्या है, एंड द सेम डायरेक्शन, ठीक है, और डायरेक्शन भी सेम है, एंड द सेम डायरेक्शन, इसका मतलब क्या होगा,
इसका मतलब है देयर फॉर ऑल दीज वैक्टर्स आर इक्वल, ठीक है, ऑल दीज वैक्टर्स आर इक्वल, ये तमाम के तमाम इक्वल वैक्टर्स हैं। इसका मतलब है बाई डेफिनेशन हम यूं बात कर सकते हैं कि हमारे पास वैक्टर्स तब इक्वल होंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक वैक्टर ड्रॉ करता हूँ ये, अब मुझे ये बोला जा रहा है जी कि ये वैक्टर है, लेट सपोज यू नो ओ पी, ये एक वेक्टर है, अब मुझे बोला जा रहा है कि इसके इक्विवेलेंट मुझे एक और वेक्टर, इसके इक्वल सॉरी इसके इक्वल मुझे एक और वेक्टर ड्रॉ करना है, तो वो वेक्टर क्या होगा, ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन इसी साइड पे होगी, यानी फ्रॉम ए टू बी जो डायरेक्शन है वो वैसे ही है जैसे ओ टू पी है, और मैग्नीट्यूड यानी अगर इसका मैग्नीट्यूड स्मॉल ओ है, आई मीन सॉरी इसका मैग्नीट्यूड अगर ओ पी है, तो ओ पी मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर होना चाहिए ए बी मैग्नीट्यूड के, ठीक है, मैग्नीट्यूड के, और इसी तरह से दोनों की जो डायरेक्शंस हैं वो भी बराबर होनी चाहिए, डायरेक्शंस ऑफ कोर्स दोनों की बराबर हैं टुवर्ड्स राइट साइड हैं, इसका मतलब है बोथ दीज वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर, वेक्टर्स ये इक्वल वेक्टर्स हैं। लेकिन अगर मैं एक और वेक्टर ड्रॉ करता हूँ जिसका मैग्नीट्यूड तो ऐसा ही है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन इसके ऑपोजिट है, ठीक है, जैसे यू नो एम एन, ठीक है एम एन, तो ये एक जो है वो इसके इसके इक्वल मैट्रिक जो है वो वेक्टर नहीं होगा, बिकॉज इसके इक्वल वेक्टर जो है वो नहीं है, चूंकि इसकी डायरेक्शन जो है वो उसके अपोजिट साइड के ऊपर है। इसी तरह से अगर एक और वेक्टर ड्रॉ कर दूं जिसकी डायरेक्शन तो यही है लेकिन मैग्नीट्यूड उसका बड़ा है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एस टी वैक्टर है, ठीक है, लेकिन ये वेक्टर जो है इन तीनों में से किसी के भी इक्वल नहीं है क्योंकि इसकी इसका मैग्नीट्यूड किसी के साथ भी मैच नहीं करता, तो वेक्टर्स को इक्वल होने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का सेम होना जरूरी है।